डेफिनेटली इससे पहले मैं काफ़ी प्रिंट एड्स कर चुकी हूँ, टीवी कमर्शियल्स कर चुकी हूँ, मैंने थिएटर किया है, एक्टिंग कोर्स मैं कर रही थी, तो काफ़ी लोगों को मैं ऑडिशन दे रही थी, मीटिंग्स कर रही थी, तो उसी दौरान मुझे पता चला कि रिवॉल्वर रानी में जो कि कंगना रनावत कर रही है उसके लिए लोगों को और भी लोग लाइक न्यू कमर्स ढूंढ रहे हैं, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया उसके बारे में, देन मैंने इनको प्रोडक्शन वालों को अप्रोच किया, दे आस्क्ड मी टू कम फॉर द ऑडिशन, मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन के बाद में मुझे कहा गया कि आप काफ़ी फेयर हो इस रोल के लिए, काफ़ी आप गोरे लगते हो, तो मैंने कहा वो तो मैं हूँ बींग फ्रॉम शिमला, देन दे वर लाइक अगर हम आपके ऊपर अगर आपका थोड़ा डस्की मेकअप करें आर यू ओके विद दैट, आई सेड आई डोंट हैव एनी इश्यूज, तो नेक्स्ट टाइम मुझे दोबारा सेकंड राउंड के लिए बुलाया गया, फिर मेरा लाइक ब्लैक मेकअप हुआ, आई वाज इन सलवार कमीज प्रॉपर लुक के साथ में, एंड आफ्टर 2-3 डेज आई गॉट कॉल दैट आई हैव बीन फाइनलाइज, सो दैट्स द वे लाइक आई स्टार्टेड इट। ऑनेस्टली मैंने जब मुझे बताया गया कि एक MP की लड़की का किरदार है जो कि चंबल की रहने वाली है, तो मेरा तो वहाँ उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने अपने दोस्तों से बात करनी शुरू की, मैंने वहाँ के बारे में रिसर्च किया कि वहाँ की बोली किस तरीके की है, वहाँ का लहजा कैसा है, वहाँ की लड़कियाँ किस तरीके से रहती हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, खुद से मैंने रिसर्च किया जिसने कि मुझे काफ़ी हेल्प की मेरे रोल को लेके। कंगना इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है वो, तो ये था कि कंगना के साथ में शेयर कर रहे हैं, पता नहीं मतलब जब जाऊँगी सेट पर कैसा होगा, मैं न्यू कमर हूँ, डायलॉग्स मैं भूल जाऊँ, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो वो एक नर्वसनेस आई थिंक हर एक एक्टर में होती है जब वो शुरुआत, आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो। आई रिमेंबर जो मेरा फर्स्ट शॉट था, लकीली वो शॉट कंगना के साथ ही था, एंड मेरा भी एंट्री शॉट था, मैं पूजा की थाली लेकर खड़ी हुई हूँ और कंगना तक उस वक्त तक हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी, दैट वॉज द फर्स्ट डे वी मेट ऑन द सेट, एंड कंगना वहाँ से आती है और मैं खड़ी हूँ, मैं लाइक पूजा की थाली खड़ी मतलब लेकर खड़ी हूँ, एंड मैं अपने वर्ड्स बोल रही थी, तो कंगना मेरे सामने जैसे ही आई मैंने कॉन्फिडेंटली लाइन से बोल दी, बट मैंने क्यों मिस कर दिया उसमें, तो कंगना मेरे पास में फिर मुझे बोलती आप ना आप भूल गए, आपको ना थोड़ा एक सीढ़ी और नीचे आना है, तो मैंने कहा यस, एंड तो फिर शी ट्रीटेड मी, शी वॉज सो हम्बल कि सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं कि मैं न्यू कमर हूँ, बिकॉज मैं और कंगना लाइक हम दोनों ही शिमला से बिलोंग करते हैं, वो भी हिमाचल के, मैं भी हिमाचली हूँ, तो वो चीज़ हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गई थी, तो शी बिन वेरी सपोर्टिव एक्चुअली। जब कंगना को पता चला कि अरे ये लड़की नहीं है और ये हिमाचल की है, शी वॉज अ वेरी बिग सपोर्ट देयर इन द सेट, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया टुवर्ड्स माई करियर, छोटे छोटे एक्टिंग स्किल्स होंगे, एंड शी रियली अप्रिशिएटेड, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आपका काम बहुत अच्छा है, तो एक बहुत बड़ी बात थी मेरी। रिवॉल्वर रानी जो मूवी है मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट की तरह साबित हुई है, क्योंकि जब मैं अपनी शूटिंग नहीं करती थी, जब मेरे शॉट्स नहीं रहते थे, तो मैं कभी ये नहीं रहा कि वैनिटी में बैठ गई या फिर रेस्ट किया, मैं सेट पे बैठी रहती थी साइड में और मैं देखती रहती थी बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, स्पेशली कंगना, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है वो, और आई एम श्योर कि मैं और उनके साथ काम करूँ, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड दैट थिंग। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रिवॉल्वर रानी फिल्म का हिस्सा बनी हूँ, क्योंकि क्रिटिकली फिल्म को बहुत सराहा जा रहा है और जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री के जो दिग्गज है वो इस फिल्म को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और ऑडियंस भी कह रही है कि बहुत डिफरेंट फिल्म बनी है, मुझे मेरे फ्रेंड्स के कॉल्स आ रहे हैं, मुझे काफ़ी लोग जो है मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं कि आप रिवॉल्वर रानी जैसी फिल्म का एक हिस्सा बने हो, क्योंकि इस टाइप्स की फिल्में जल्दी नहीं बनती, गट्स चाहिए, इसी रिवॉल्वर रानी टाइप्स की फिल्म बनाने के लिए गट्स चाहिए, इट्स नॉट ईजी टू मेक रिवॉल्वर रानी जिस टाइप्स का वो सिनेमा है और एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, तो इट नीड्स गट्स टू डू दैट काइंड ऑफ फिल्म, दैट्स अ रीज़न लाइक आई हैव डिसाइडेड कि मैं जल्दबाजी नहीं करूँगी, मैं अपने करियर को लेके अपने काम को मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, दरअसल मैं क्वांटिटी में बिलीव नहीं करती, मैं नहीं चाहती कि मैं साल की 10-15 फिल्में कर दूँ या मैं बहुत बड़ी लीड कर लूँ या मैं इसके साथ फिल्म करूँ उसके साथ फिल्म करूँ, नहीं, मैं चाहती हूँ मैं भले 2 फिल्में करूँ 3 फिल्में करूँ वो भले मेरा कम रोल हो मगर उस रोल का कुछ मीनिंग होना चाहिए, वो जनता के ऊपर दर्शकों पर उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई वांट एक्चुअली, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो कि हर एक इंसान सोचता है कि वो लीड में फिल्में करे, फिल्म उसी के मतलब वो फिल्म का लीड हो, हर कोई इंसान सोचता है, वो सोच में कुछ गलत मुझे नहीं लगता, कुछ गलत चीज़ है, अगर मुझे लगता है कि मुझमें वो काबिलियत है, मैं मुझमें वो हुनर है, मैं उतनी मेहनत कर सकती हूँ और मैं उस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ, तो अगर मुझे वो चीज़ मिलती है तो मुझे करनी चाहिए ना वो चीज़, पर पहले उसके लिए मुझे उस लायक बनना ज़रूरी है कि मैं लीड कर सकूँ, तो मेरा ये मानना है कि अगर देखिए मुझे कल को लीड मिलेगा डेफिनेटली मैं क्यों मना करूँगी कि यार प्रीति तुम्हें लीड है, तुम फिल्म की हीरोइन हो, इस टाइप्स का रोल है,
बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैंने वही कहा वो जिन फिल्मों का कोई मीनिंग नहीं है, जिन फिल्मों का कोई पता नहीं है कब रिलीज़ होगी कब रिलीज़ नहीं होगी, वो फिल्में सिर्फ नाम के लिए बन रही, मुझे ऐसी फिल्में करने से अच्छा ये है कि मैं बड़ी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करके खुश रहूँगी, एटलीस्ट जनता आएगी मेरे काम को देखेगी, स्टार को देखने आएगी तो हमें भी तो देख लेगी ना, सो दैट्स द वे आई मीन आई एम समवन दैट वे. एल्बम्स के बारे में बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है म्यूज़िक वीडियोज़ शूट करना, क्योंकि आप पहली बार ऐसे अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहनते हो और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर के साथ में काम करते हो, और क्या कि दैट वे आप जल्दी लोगों से कनेक्ट करते हो, क्योंकि हमारे अभी भी एल्बम्स का क्रेज़ भले जा रहा है मगर नॉर्थ में, बिकॉज आई डिड मोस्ट ऑफ पंजाबी म्यूज़िक वीडियोज़, अभी भी वहाँ पे ये कल्चर अभी भी जीवित है कि जहाँ पे लोग एल्बम्स देखते हैं, एल्बम्स में लाइक हम जैसी मॉडल्स फीचर करती है, दैट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने तो वहाँ के जो अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे जो वहाँ के म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनके साथ में काम किया, तो वो चीज़ एक प्लस पॉइंट रही मेरे लिए. थी मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है, बींग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कमिंग टू सिटी लाइक बॉम्बे एंड मीटिंग पीपल, एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आना, अभी भी मैं शुरुआत की है मैंने, आई एम समवन अभी बहुत छोटी सी इंसान हूँ इस इंडस्ट्री में, अभी एक शुरुआत की है, बढ़िया से की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लोगों का जो साथ मिला लाइक जीवन में अपनी ज़िंदगी में, और जो मेरे साथ बेस्ट विशेज जुड़ी है, और जो मैंने अपने आसपास सीखा है, जो मैंने संघर्ष किया इस दौरान में, जो मैं मतलब कहते हैं कि मैंने सीखा है, सिर्फ मैंने लाइफ में अपनी हर गलती से सीखा है, तो वो जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, एंड आई एम श्योर कि वही चीज़ें मेरी एक्टिंग स्किल्स में भी मेरी हेल्प करेंगी.